नेक्स्ट चर्चा करेंगे यूकिनॉक्स, बोले तो सॉलिस्टिक, यूकिनॉक्स और सॉलिस्टिक पर नहीं ध्यान दें, इस बात पर फोकस करेंगे। देखो इसका डेट बहुत जरूरी होता है ना, विंटर सॉलिस्टिक 22 दिसंबर, ऑटोमनल इक्विनॉक्स 22 सितंबर, समर सॉलिस्टिक 22 जून है ना, 22 जून, वर्नल इक्विनॉक्स 20 मार्च, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से, तो आइए देखते हैं सॉलिस्टिक बोले तो आयान संक्रांति, और इक्विनॉक्स बोले तो विषुवत, पृथ्वी के एक भाग पर हमेशा उजाला तथा दूसरे भाग पर अंधेरा रहता, ये तो आप देखे रोटेशन के कारण। उजाले एवं अंधेरे भाग को अलग करने वाली रेखा को प्रदीपन या प्रकाश वृत्त बोले तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। याद रखिए मतलब ये पार्ट, इसमें से एक पार्ट उजाला है और एक पार्ट आपका अंधेरा है, तो जो लाइन इसको अलग करती है उसको कहते हैं प्रदीपन या प्रकाश वृत्त, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। पृथ्वी 21 जून और 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्रमशः ग्रीष्म संक्रांति एवं शीत संक्रांति की स्थिति में होता है। इसको समझने के लिए आप समझने का काम कर सकते हो कि आप इसको कई तरीके से समझ सकते हो, मतलब कि आप देखो ना जी, जैसे यहाँ पर आप याद रखो, जैसे 21 जून 22 दिसंबर तो क्लियर है, और 21 जून 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत स्थिति क्रमशः कर्क रेखा, तो 21 जून बोले तो कर्क रेखा, अब 22 दिसंबर बोले तो मकर रेखा पर होती है, 21 जून बोले तो ग्रीष्म संक्रांति है ना, 21 जून देख लीजिए, 21 जून देखिए समर सॉलिस्टिक, तो 21 जून एग्जैक्ट देखिए 20 से 22 रखा, 21 जून याद रखिए, और उसके बाद आप देखोगे 22 दिसंबर शीत संक्रांति, तो 22 दिसंबर देखिए, तो इसको याद रखिए, जून के समय में हमारे भारत में गर्मी होती है तो गर्मी मतलब समर सॉलिस्टिक, और दिसंबर के समय ठंडी होती है तो विंटर सॉलिस्टिक, तो ऐसे आप याद रखने का काम कर सकते हैं। तो 22 दिसंबर अच्छा, पृथ्वी के 23-23 डिग्री अक्ष के झुकाव के कारण दोनों गोलार्धों में यह स्थिति बनती है। 21 जून को सूर्य की कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रभाव रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके विपरीत 22 दिसंबर को विपरीत स्थिति होती है, देख लीजिए 22 दिसंबर को, ये तो बता दिया गया नहीं जी, आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बताया, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है लेकिन दक्षिण गोलार्ध में ठंडी होगी, और ठीक 22 दिसंबर को उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा बोले तो याद रखें जो डेट बोल रहा वहाँ याद रखें वो गर्मी, और बाकी उसका उल्टा आ जाएगा ठंडी, जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पड़ रही है तो उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा में तो गर्मी रहेगी, और जहाँ नहीं पड़े वहाँ ठंड रहेगी, तो कहाँ नहीं रहेगी दक्षिण गोलार्ध में नहीं रहेंगे तो ठंड रहेगी, लेकिन 22 दिसंबर की अगर बात कर रहे हैं तो 22 दिसंबर की अगर बात कर रहे हैं तो आप बताइए 22 दिसंबर को का चर्चा करेंगे तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर ठीक है, मकर रेखा पर तो मकर रेखा पर गर्मी पड़ेगी तो ठंड का रहेगी कर्क रेखा पर, तो उसका उल्टा याद रखने का काम करना। ठीक है अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है कि जिससे दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म और उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु की स्थिति होती है, उल्टा होगा। पृथ्वी पर सूर्य की लंबवत किरणों का प्रभाव कर्क एवं मकर रेखा के मध्य ही बना रहता है, बोले तो विषुवत रेखा है ना, 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23 डिग्री दक्षिण गोलार्ध के विषुवत रेखा, ये दोनों वर्तन बिंदु के रूप में कार्य करते हैं और संक्रांति या पृथ्वी को गतिशीलता प्रदान करती है तथा सूर्य तारों नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव भी होता है, और विश्व के विभिन्न देशों में संक्रांति पर कई उत्सव पर त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे हमारे देश में मकर संक्रांति का विशेष महत्व, ठीक है। नेक्स्ट